वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक विद राशिद हिजाजी और हमारे साथ शरीक गुफ्तु हैं जनाब मोहम्मद अफजल जोया एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब और जनाब चौधरी रिजवान यूनस गुजर साहब नाजीन अब जो वक्फ़े के बाद हम चाहेंगे कुछ मामला तो वो डिस्कस कर लें जो कि हमारे मुल्क के अंदर एक फ़जा बनी हुई है हम बात तो कर रहे हैं कि आलम इस्लाम को मुतहद होना चाहिए इतिहाद के सब बड़े अच्छे हैं आ, लेकिन हम देख रहे हैं कि अपने मुल्क के अंदर भी जो फ़जा बनी हुई है वो भी एक इंतशार की फ़ा बनी हुई है और इंतशार तो एक छोटा सा लफ्ज़ है बल्कि ये है कि आप एक दूसरे के वो दरपय हैं नफ़रतों के जो है ना हमें वो यूँ नज़र आ रहा है नफ़रतों की यलगार है और अल्लाह करे अल्लाह करे कि वो जो हम इतिहाद की बात पूरी मुस्लिम उमत के लिए करते हैं हम इस्लामिया ने पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए मुखलिस हो जाएँ मुतहद हो जाएं पाकिस्तान के लिए सोचें लेकिन क्या बदनसीबी है क्या बदनसीबी है कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान का खाने वाले पाकिस्तान में हुक्मरान रहने वाले पाकिस्तान पे इकदार के मनसब पर फाइज रहने वाले पाकिस्तान की पार्लियामेंट की आला मनसब जलीला स्पीकर जैसे मनसब पर फाइज रहने वाले पार्लियामेंट जो मुल्क के मुखदर अदारा होता है उसके निगेबान रहने वाले आज बात करें किसकी जो मुल्क की निगेबानी कर रहे हैं मुल्क की सरहदों के मुहाफ़ हैं उन पर जब वो हमलावर हो जाएं, उनको अपना निशाना बनाएं, तो उस पर क्या हम बात करें मुझे तो तसफ़ है शर्मिंदगी है कि हम किस मुकाम पर आ गए हैं किस सतह पर हम गिर गए हैं कि अपने ही घर की दीवारों को गिराने के दरपा हो गए हैं मान ल मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि ये जो याद सदक साहब ने तकरीर की है ये क्या फ़ौज के खिलाफ फौज को निशाना बनाना ये पार्टी की पॉलिसी है या कि या या सादक साहब से कोई गलती हो गई है कोई ज़िम्मेदारी का उन्होंने सबूत दिया है या कि ये मुल्क से गद्दारी है क्या कहते हैं आप इस देखिए हजाई साहब बात यह है कि ये सादक की बात नहीं है इनका जो गॉडफादर बाहर बैठा हुआ है उसकी मुसलसल आप देखते जाए किसी एक स्पीच को उठा ले को उसने को कसर छोड़ी कोई कसर नहीं छोड़ी जब वो बलंद बुलंद मसलवाद के ऊपर अपने जबान जो है वो खोलता है तो अदारे हमारे खामोश बात यह है कि इसी पाकिस्तान में इन्हीं अदारों में इन्हीं अदालतों में इसी तरीके से जबान खोलता था वो एक लंदन में बैठा हुआ कराची से अलताफ हुआ तो उसके मतलब जब जाती तो अदालतों ने फैसला दिया कि ये आइंदा के लिए किसी मीडिया के ऊपर इसकी न सफीज दिखाई जा सकती है ना इसकी तस्वीर दिखाई जा सकती है मुझे बताए कि लेकिन उसे भी कई कई साल खुली छुट्टी दे दी रखी गई ना परचम तक जलाया गया है कुछ पाकिस्तान इनके जलसे जुलूस में लग रहे हैं इसी तरह के नारे अगर केपीके के में पीटीएम वाले मजदूर पश्चिम ग्रुप वाले वो लगाते हैं तो उनके लीडरान को गिरफ्तार किया जाता है लेकिन यहां कब से हम नारे सुन रहे हैं यह दारू की जिम्मेदारी है मैं ये पहले से कह रहा हूं कि तमाम इदारे अब पाहेज हो चुके हैं बीमार हो चुके हैं और अवामो नाश को वो खुले हाल पे छोड़ दिया कि वो एक दूसरे के दसों गिरेबान हो जाए जब अदारे पाहेज होते हैं तो अवाम के अंदर क्या फ्रस्टेशन बढ़ती है क्योंकि यह दारू का काम है ज़बानों को ताले लगाने इन लोगों को ताले लगाने लेकिन तालों की तरफ कौन जाता है अगर कोई बयान देता है तो फिर कहते हैं नहीं जनाब हमने तो ये नहीं कहा था यानी कि पूरा मुल्क अनपढ़ है उनके देहात में भले मसल ने जो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पेशल उस बयान के ऊपर पूरी फौज भी अनपढ़ थी फौज के अफसरान भी अनपढ़ थे जो बाकी हम सुनने वाले हैं हम भी जाहिल हैं हम भी कुछ नहीं जानते कि इन्होंने किसके मतलब कहा कि टाके काम रही थी माथों पर पसीना था मेरा ख्याल है कि ये इतने करप्शन क्लब के मेंबर जमा हो चुके हैं इनकी करप्शनों के अंबार लगे हुए हैं जब इनको कोई अदारा बुलाता है तो उसके ऊपर जाके हमलावर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो आप जो आज देख ले पुरानी इनकी हिस्ट्री उठा कर देख ले कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हाल ही में आपने देखा कि नैब की अदालत में पेशी के मौके उपर, के ऊपर नैब के ऊपर इन्होंने अटैक किए जो बंदा इनके ऊपर बात करता है जो अदारा इनको बुलाता है जे उसके ऊपर हमला अवर होते हैं लेकिन एक ही लफज कहते हैं सारे मिल मिला के कि ये सियासी बुनियादियों के ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं मुझे बताया कि ये जो अंपायर थे ये भी सियासी बुनियादों के ऊपर थे सारे मॉडल टाउन में जो कत्ल करवाए वो भी सियासी बुनियादों के ऊपर थे जो करप्शन करते हैं वो भी सियासी बुनियादों के ऊपर थी जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो भी सियासी बुनियादों के ऊपर थी ये हर चीज़ को सियासी बुनियाद बना लेते हैं लेकिन कोई सियासी बुनियाद नहीं ये भारत का जो है ना बयानिया लेकर इस मुल्क में इंतजार फैलाना चाह रहे हैं भारत को फायदा पहुंचाना जा जा रहे हैं यानी कि आज भारत का मीडिया आप उठाकर देख ले तो वो हर दिन उसी का बयान कोड करते हैं पहले जब हम कलभूषण के केस में वो बैनवामी अदालत में गए हैं तो वहां भी उन्होंने उस जो बाहर बैठकर चीखों पकार कर रहा है उसका बयान को उन्होंने कोर्ट किया उन्होंने जो है उस बयान को अजबल कसाब वाले बयान को जो है उन्होंने कोर्ट किया आज भी पूरा मीडिया इंडिया का जो है ठाके इन्हीं के बयान हाथ लेते हैं तो क्या समझ नहीं रही हुआ हम कि ये किसको फायदा दे रहे हैं किसका नुकसान हो रहा है आज हम देख रहे हैं कि ये जो सियासत है ये रियासत के ऊपर अभी होगी है लेकिन रियासत कमज़ोर होती जा रही है ये अदारों को देखना है सोचना है इनको इनकी ज़बानें जो हैं वो बंद कर दी अगर नहीं करेंगे तो वामी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और इंतशार जो है वो फैलता नज़र आ रहा है जी मानला साहब आपने जो एक बात कही है कि जो ये सियासत है ये रियासत पर हावी हो गई है और आपने ये भी कहा है कि रियासत के अदारे अपाहज हो चुके हैं और इसके साथ आपने बात ये की है कि ये जो पोजीशन है यह पीडीएम है ये भारत के एजेंडे पर काम कर रही है और इमरान खान वज़ी अजम जो हमारे हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि जो पी डी एम है ये भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है तो यह सवाल लेकर मैं जा रहा हूँ अफसर जोया साहब के पास कि वज़ी अजम का ये कहना कि हमारी जो अपोजिशन है या पी का नाम उन्होंने लिया है ये जो इतिहाद बना है अपोजीशन का कि ये भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है आप इस बारे में क्या कहें कमेंट्स करते हैं एजाजी साहब सब सबसे पहले तो मेरा इंडियन चैनल्स के लिए ये मैसेज है कि वो जो अयाज सादक के बयान को लेकर प्रोपेगंडा कर रहे हैं उनको ये जेन नशीन करना चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी नंदन को जो वापस किया है उन्होंने जिनेवा कन्वेंशन की पासदारी करते हुए से वापस किया है और अयाज सादक का जो मुतनाज़ बयान आया है वो हमारी जो अखलाकी जो फतह थी उसको उसकी उसको में तब्दील करने की कोशिश की गई है हमारे हुक्मरानों को चाहे वो अपोजिशन है या मौजूदा गवर्नमेंट है इनके जो लीडरान हैं जो इस पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको होश के नाखल लेने चाहिए उसको सोचना चाहिए कि हमारे जो अदारे हैं हमारे जो सलामती के अदारे हैं इन पर उंगली ना उठाई जाए ये उंगली उठाते हैं तो हमारे दुश्मन को मौका मिलता है और फिर यह बात करता हूँ कि हमारे हुक्मरान और अपोजिशन पार्टी जो भी है अब वो राग अलाप रहे हैं कोई मोदी का यार बना रहा है कोई भारतीय गद्दार करार दिए जा रहे हैं इस भाषण से बाहर निकलें इससे बाहर निकलें पाकिस्तान की आवाम के और भी मसाइल हैं बेरोजगारी है मुफलसी है महंगाई है ये इन पे दें। पर तो दें मसाइल पर तोजो दें एक बात का बतंगड़ी ना बनाया जाए एक बयान आ गया उसको छोड़ दे वो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अभी नंदन को कैसे वापस किया है, ये पाकिस्तान की नहीं। ये पाकिस्तान की फता है। और इनशा कायदायम रहेगी इनशाला जनाब चौधरी रिजवान साहब ये जो बातें हो रही है दरमियान में लाना मौजुअन हो या ग दोनों बड़े मतर्रक हैं फाल हैं लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये अपोजिशन और हुकूमत अपनी सियासी लड़ाई में फ़ौज को मौजू ब बहस क्यों बना रही है और क्या ये मुनासिब है फौज को जेर बहस लाना सियासी लड़ाई में बात यह है जनाब के हमारी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जिसका दिल करता है वो बोलना शुरू हो जाते हैं हालांकि हमारी पाक आर्मी की वजह से हम सुकून की नींद होते हैं हमारे मुआफ़ हैं हमारी सरहदों के वुआफ़ हैं ठीक है हम पाक आर्मी को हमेशा दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे दीन इस्लाम के लिए मुल्क पाकिस्तान के लिए तो इस बात का हमें नात ही अफसोस है कि जिसका दिल करता है कि वो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बोलता है और उसके ख़िलाफ़ कोई नोटिस नहीं लिया जाता है और पाकिस्तान आर्मी से ये रिक्वेस्ट है हमें कि आप सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं हम आपको दोनों हाथों से सलाम पेश कर रहे हैं बस ये है कि आप जो हमारी मुल्की सियासत है उनमें उनकी इन्वालमेंट नहीं होनी चाहिए और जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बात करें तो बिल्कुल उसके खिलाफ मुकदमा गदारी का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि हमारे मुल्क के सरहदों के मुआफ़ है ये जब मुआफ़ों के खिलाफ बात होगी तो वह समझो हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है जी जी मांडला साहब ये फ़ौज को मौजू ब बहस बनाना हुकूमत और अपोजिशन की सियासत ये होती रहती है सियासत और जो 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 जिसे कहते हैं जमहूरीत जमहूरीत है जिमुरियत, जिमुरियत ही आपस की सियासी अबेज का नाम सियासी अख्तिलाफ़ का नाम एक दूसरे से भले इख्तलाफ़ करें अपना अपना एजेंडा अपना अपना प्रोग्राम दें लेकिन ये जो माहौल बना हुआ है कि अपोजिशन की और हुकूमत की लड़ाई में फ़ौज मौजू बहस है आप इस पर क्या कमेंट करते हैं देखिए जायज साहब बात बड़ी वाजह है कि उम्मत पाकिस्तान मसल अफवाज पूरे कफार की आंखों के अंदर जो है है क्यों कि इतनी वेल ट्रेनड आर्मी और अटामिक पावर मुलक दुनिया पूरा कफार जो है इस चीज के ऊपर जोर लगा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जब तक कायमो दायम है तो उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई बंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता और हर मुल्क इसी कोशिश में है कि आवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए यही एक खतरनाक पहलू है जिसको सोचने की जरूरत है मुझे ये बताएं कि तीन दफा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का रहने वाला आज उसको ये तमाम बातें याद आती हैं तो पहले उसको याद क्यों नहीं आती है? हम तो पहले ही कह चुके हैं जब उनकी हकूमत थी उन्होंने नमूसे रसालत की शिक अपनी हुकूमत की मौजूदगी में जब नकाली तो हमने उस दिन कहा था इन शाह तब भी इनका साथ छोड़ देगा कोई इनका साथ नहीं देगा हमारे पीर मुर्शद पीर सैद जमात अली शाह साहब सरकार पीर मुनवर हुसैन शाह साहब ने यह फतवा दे दिया था कि इनको वोट देना हराम है तो ये कहाँ इज्ज़त तलाश कर रहे हैं इन्होंने अकल असलातम की नमूज़ की जब शिक निकाल दी तो इज्जत इनको कहीं नहीं मिलेंगी ये पाक फ़ौज का नाम ले या किसी और का नाम ले आप देखते जाए एक एक करके इनकी पार्टी को सारे छोड़ते चले जाएंगे अभी सुन रहे हैं हम और कई एम पी कई एम एल ए सब छोड़ के इनको चले जाएंगे कोई इनका साथ नहीं देगा ये इंडिया का एजेंडा लेकर चले ये इसराइल का एजेंडा लेकर चले बाहर से इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर जो आ रही है वो सारी सच के सामने है प्राइम मिनिस्टर भी बता चुके हैं हर बंदा भी जानता है कि इनको कहां कहां से फंडिंग होती है लेकिन पूरा मुल्क फवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा है और हर हाल में खड़ा है ये पाकिस्तान आर्मी के सर के ऊपर जो है पाकिस्तान कायम है अल्लाह की मदद अल्लाह की नुसरत अकाल सलाम के करम के बाद पाक फौज जो है ना इस मुल्क की जामन है और पाक फौज के ऊपर जो भी बंदा ज़बान खोलता है मैं अदारों को कहता हूं लेकिन अदारों में हाल नहीं है अदारों की अपने देखो जब इनको खुला छोड़ा जब ये चोर थे डाकू थे वो सब वक्त इनको पकड़ना चाहिए अच्छा, था किन अदारों को कह रहे हैं आप जो जो जिम्मेदारदार हैं पुलिस से ले ले पुलिस को ले देखो ना एक में रोल जो है ना, ना मराहत लेते हैं इनको सलूट मिलते हैं इनको बड़ी बड़ी मराहत के साथ जो है वो जिंदगी गुजारते हैं मुझे बताए कि उनका फर्ज है अभी कि इस मुल्क के ऊपर जो इंटरनेशनल माफिया के साथ मिलकर हमला आवर हो रहे हैं उनके हमलों को रोकना ये अदारू का काम है ये अवामो नाज का काम नहीं अवाम नाज के सर के ऊपर याद आ रहे कह दे कि इनको खुद कंट्रोल करो तो पाकिस्तान उसे भी पीछे नहीं जाएगी ये चंद एक मुठ्ठी बार जो है सासियन आसर है जिनका किला कमा करना जो है ना कोई मसले नहीं अवाम के लिए जी आपने जो अपने इस माशा तजिए में एक बात कही है मैं चाहूंगा उस बात को आगे बढ़ाऊँ आपने ये कहा है कि ये उसकी मिसाल दी है कि पार्टी में अंदर जो मामलाते हैं इस्तीफों के और आपने नाम भी लिया है जनरल उसका कादर बलोच का तो जनरल अब्दुल कादर बलोच का जो इस्तीफा है ये बलोचिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं सबक गवर्नर भी रहे हैं तो इस सूबे में सूबे के सूबाई सदर ही जब इस्तीफ़ा दे दें पार्टी को छोड़ जाए तो तो बाकी सिलसिला क्या चलता है तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे जो है साहब ये जो अमल शुरू हुआ है अभी शुरुआत ही कह सकते हैं ये सिलसिला आगे चलेगा या आगे बस यहीं केफराधी है उनका रिएक्शन है देखें हिजाजी साहब ये जाहिर करता है कि पाकिस्तानी आवाम को अपनी आर्मी के साथ अपनी फौज के साथ प्यार है मोहब्बत है इख्तलाफ जो है ये ज़महूरियत का हुसन है इख्तलाफ होना चाहिए आप क्रिटिसाइज़ करें एक दूसरे को करें लेकिन अदारों को बीच में क्यों लेकर आते हैं अदारों अदारों पर आप अटैक क्यों करते हैं आपके सलामती के अदारे आप इन पर अटैक करते हैं दुश्मन को इसका मौका मिलता है देखें कोई भी पार्टी है नून लीग है पीपल्स पार्टी है या स्टिल तरीके इंसाफ है अब ये जब इनकी गौर, अपनी गवर्नमेंट में ये अदारे ये समितिया के अदारे ठीक काम कर रहे हैं इनकी गवर्नमेंट जब आती है तो अदारे ठीक चल रहे होते हैं उस वक्त ये, ये कोई इनकी गोलाबारी नहीं होती अल्फाज की कोई गोलाबारी नहीं होती जब ये अपोजीशन में जाते हैं तो ये इख्त पैदा हो जाते हैं लिहाजा हमारी अपोजिशन है गवर्नमेंट है उनके जितने भी अरकान हैं उनको चाहिए आपस में इख्त रखें लेकिन अपनी लड़ाई मेंदर बलोच कर एक वाजे बयान आ गया है पहले मीडिया पर भी सुन रहे थे अखबार में भी आ रहा था कि उनका वजह जो सनाउला जारी का जलसे में शामिल होना हो गया या

वो प्रेजिडेंट भी हैं जो इनका इस्तीफ़ा है वजह उन्होंने बयान किया है कि उनको इख्ताफ है जो फ़ौज पर निशानाबाजी की जा रही है तो ये सिलसिला बस उनका ज़्यादा का तो रुकेगा या देख रहे हैं कि यह मामला आगे भी बढ़ेगा इससे पहले वो शरकपुरी साहब भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं ये दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा है ये सिलसिला आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है या बस ये फ़ौज की महब्बत में उन्होंने दिया चूके वो भी सबक फ़ौजी हैं बस हमारे ख्याल से तो फौज की मोहब्बत में उन्होंने अच्छा इजार ख्याल किया है और मेरे ख्याल में जितने भी एम एन एम पी एज हैं जो इस पार्टी के उनको इस बयान के बाद सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था आप क्या सोचते हैं कोई है हलचल बची है उसके पार्टी के जी इंशाल्लाह ताला होगी देखें बिस्मिल्लाह की है उन्होंने तो आगे भी उम्मीद है कि उनके साथ चलेंगे कुछ एम पी एम एन जो जो खतरापुरी जो साहब से शुरू हुआ और दूसरा ये बलोच स्थान से कादर बलोच जहां तक तल्लक जनरल अब्दुल कादर बलोच साहब का है चूँकि वो एक सबका फौजी है और दूसरी बढ़ के जो बात है कि उसका तल्लक जो है वो एक ही यूनिट से है जिस यूनिट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जुवेद बाजवा साहब कि ये सोलह बलूच के हैं और सोलह बलूच के ये दूसरे चीफ है। असलम बेर साहब भी इसी यूनिट के जो है ना वो आर्मी चीफ रहे ये आजाद है उस बटालियन को उस यूनिट को और ये जनरल अब्दर कादल बरोज साहब जो है ये भी उसी यूनिट के तो मोहब्बत में यूनिट की मोहब्बत ये तो फौज की मोहब्बत ये तो तकाजा करती थी जो फौज की मोहब्बत है ये तकाजा करती है जिसका उन्होंने बरभला ऐलान भी कर दिया है कि मैं ये जो इस्तीफा है ये जहरी शहरी के चक्कर में मैंने दिया जो उनके नवाज शरीफ जो उनके लीडर थे नरूम लीग के वो जो बयान पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ दे रहे हैं तो मैं मजीद उन बयान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया और वो देना पड़ता था बहुत सारे इस्तीफे इन शाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये एक, एक करके जो आते जाएंगे और इन श्ला जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के मसल अफवाद के खिलाफ बोलेगा वो उसकी सियासत जो है वो, अच्छा वो खत्म हो जाएगी इनशा अच्छा वक्त ख़त्म हो रहा है लेकिन मैं वाइंड अप कर, करते हुए आप तीनों अपने पैनलिस्टों से बात पूछूंगा ये जो सियासी दर्जा हरारत हमारा इस कदर बड़ा हुआ है कोई आप समझते हैं पहली बात तो यह है अब जोया साहब इस सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल होना चाहिए जी जोया साहब इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो इस बात के मतकाजी नहीं है कि मुल्क में कोई इंतजार फैले मुल में जो ये जो गर्मा गर्मी सियासी गर्मा गर्मी का माहौल जो बना हुआ है इसका हमारा मुल्क कतई मुतहमल नहीं है तो लिहाजा हमारे सियासतदानों को इस वक्त होश के नाखन लेने चाहिए जो आवाम के मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तो देनी चाहिए जी जनाब चौधरी रिजवान यूनस गुजर साहब मेरा सवाल ये है जिस पर आप वाइंड अप करें कि ये जो मुल्क का सियासी दर्जा हरारत है इसे नॉर्मल होना चाहिए बस इस शेर पर इखत्तम करूँगा कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी बात यह है कि अजरत यूसुफ़ल की बोली लगी थी तो सात साल कैद पड़ गया था तो जब नबियों के सरदार की तो इन होती है नबियों के सरदार ठीक है तो उस मुल्क में जब खामोशी होती है तो फिर ये कोरोना भी आता है और इस जैसी मज़ी बीमारियाँ भी आती हैं और सियासी भी गर्मा गह शुरू हो जाती है और जो मुल्क इलाज के लिए बेहतर नहीं है तो दीन से आप मुखलिस हो जाए आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस हो जाए इन शाह आपको दुनिया की पाक, पाक, सदके हमको मानला साहब आप ये करें कि सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल होना चाहिए अगर होना चाहिए तो ये कैसे कम हो सकता है देखा जी हर बंदे की ख्वाहिश है हर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में अमन हो पाकिस्तान में जो है ना वो महंगाई कंट्रोल हो लेकिन होगी नहीं उसकी वजह ये है कि अगर चोरों को खुला छोड़ोगे डाकू को खुला छोड़ोगे दहशत गर्दों को खुला छोड़ोगे मनी लॉन्डरों को खुला छोड़ोगे तो ना महंगाई होगी ना अमन होगा क्योंकि अमन तबाह करने वाले यही लोग हैं है। महंगाई करने वाले यही लोग हैं जब उनको जेलों से बाहर सड़कों के ऊपर देखोगे ना अमन होगा ना महंगाई कंट्रोल में होगी ये हुकूमत वक्त हो या जो भी मक्तदर अदारे हैं उनका काम है इन बड़े बड़े मगरमच्छों को जेलों की सलाखों के अंदर फेंक दें यहां भी आपको मिल जाएगा यहाँ महंगाई भी आपकी कंट्रोल होगी यहाँ कानून के ऊपर अमलदारी भी शुरू होगी जी कानून पे अमलदारी होगी महंगाई अगर कंट्रोल होगी और करप्शन खत्म होगी तो फिर खुद खुद मामला ठीक हो जाएंगे और सियासी दर्जा हरारत भी नॉर्मल हो जाएगा अल्लाह करे कि ये ख्वाहिशात हैं ये पूरी हों और अमन से पूरी हो और मुझे यूनस गुजर साहब की बात बहुत पसंद आई कि वो तब पूरी होगी अगर हम आका जनाब रसारत माति नबीन की गुलामी इख्तियार करेंगे और उनके लाए हुए निज़ाम को अपनी ज़िंदगी का उड़ना बिछोना और मुल्क बना ही इसीलिए था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला ला लाला ला, ला मोहम्मद रसोल्ला की हुक्मरानी कायम होगी तो सब कुछ ठीक होगा मैं अपने मेहमानों जनाब चौधरी रिजवानी गुजर साहब और जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब जनाब मोहम्मद अफसर चोया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और नाजरीन आपका भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा राशिद इजाजी को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़